हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? रोड वाली पानी पूरी खाना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन क्या पता है आपको वो कितनी अनहाइजेनिक होती है? तो चलो, आज मैं लेकर आई हूँ पानी पूरी की रेसिपी, वो भी घर पे बनी हुई पानी पूरी आसान तरीके के साथ। तो चलो फटाफट इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पूरी बनाने के लिए उसका डो गूंद लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप ली है सूजी, जिसे रवा भी कहा जाता है, ऑयल लिया है, और ये मैदा लिया है, और नमक, और ये लिया है वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी। तो सबसे पहले ये जो हमने 1 कप सूजी ली थी, उसमें हम छोटे चम्मच से नाप के सिर्फ 2 ही चम्मच इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। बस इतना ही ऐड करना है हमें, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जायके के हिसाब से नमक, और इसी में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच तेल, ये रूम टेम्परेचर का तेल है। अब ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करते हुए इसका एक डो गून लेते हैं, लेकिन इसका जो हमें डो गूनना है वो टाइट डो गूनना है, हमें ज़्यादा सॉफ्ट डो इसका नहीं गूनना है। इसमें बहुत कम पानी का यूज़ करते हुए हमें इसका टाइट सा एक डो गून लेना है। डो को हमें अच्छे से मालिश करनी है, ये देखिए जिस तरह से वीडियो में मैं बता रही हूँ उस तरह से इसकी मालिश करनी है हमें। 2 से 3 मिनट अच्छे से मालिश करने के बाद अब हम इस आटे में और 1 चम्मच तेल लगा लेंगे, और इस आटे को हाथों से अच्छे से एक बार और चिकना कर लेंगे। ये देखिए डो हमारा गूंद के रेडी हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट होने के बाद आटा जो है हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलो अब इसकी हम लोइयां तोड़ लेते हैं। हमें इसकी छोटी पूरी बेलनी है, इसीलिए मैंने इस तरह से छोटी छोटी लोइयां तोड़ ली हैं। अब इसे हम ढक कर रख देंगे क्योंकि ये सूखे ना। अब इसमें से एक एक लोइया लेते हुए हम इसे सूखा मैदे का आटा लगाते हुए हम इसे बेल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से उसे बेल लेना है। जितनी पानी पूरी की साइज होती है उतनी ही छोटी हमें इसकी पूरी बेल लेनी है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी बेल कर हो चुकी है मेरी। अब इसे हम एक साफ गीले कपड़े के ऊपर रखेंगे और उसी कपड़े से इसे ढक कर हम कवर कर देंगे। ऐसा करने से ये सूखेंगे नहीं। और इसी तरह से बाकी सारी पूरियाँ भी हम बेल लेते हैं। एक और पूरी मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। ये मैंने आटे की लोई ली है और उसे सूखा आटा लगाकर इसकी मैं पूरी बेल लेती हूँ। हल्के हाथों से ये पूरी हमें बेल लेनी है। ये पूरी भी मेरी बेलकर हो चुकी है, इसे मैं उसी कपड़े के नीचे ढक कर रख देती हूँ। इसी तरह से ये देखिए मैंने इस तरह से सारी ये पूरियाँ बेल ली है। अब चलो इसे डीप फ्राई हम कर लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल रखा था गर्म होने के लिए, जो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम एक एक करके पूरी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी डाल ली है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फूल रही है। कढ़ाई में पूरी ऐड करने के बाद हम इसे 1 चम्मच की हेल्प से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। ऐसा करने से पूरियाँ जो है वो अच्छे से फूल जाती हैं। और इसमें और भी पूरी हम ऐड करेंगे और उसे भी प्रेस करते हुए फूला लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही एक एक करके हम इसमें पूरी ऐड करते जाएंगे और उसे हल्का सा प्रेस करते हुए हम इस तरह से फूला लेंगे। अब जो पहली पूरी हमने ऐड की थी उसको हम पलट लेते हैं। ये बहुत ही लाइट वेट होती है तो ये जल्दी से नहीं पलटती है। आप चाहिए तो इसके ऊपर से गरम तेल भी डाल सकते हो। जो पलट सकती है उन्हें तो अच्छे से पलट लेंगे हम, और इसको दोनों साइड से अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक के हम इन पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा समय लगता है इसे फ्राई होने में क्योंकि ये उतनी ही क्रंची होनी चाहिए। ये देखिए ये अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आ चुका है इस पे। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो चलो अब पानी पूरी के पानी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 1/2 कप मैंने इमली पानी में भिगो के रखी है, और ये 2 बड़े चम्मच भर के मैंने गुड़ लिया है,
और ये जायके के हिसाब से नमक लिया है। इन सबको हम मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और इसकी फाइन सी एक प्यूरी बना लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम इसकी तीखी चटनी भी बना लेते हैं, जिसके लिए एक कप लिए है मैंने पुदीना के पत्ते, जायके के हिसाब से नमक, एक ही कप लिया है हरा धनिया, 5 से 6 लिए मैंने हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ मैंने छील कर ली है। इन सारे चीज़ों को मैं एक मिक्सी के जार में ऐड कर देती हूँ और इसे एक फाइन इसका प्यूरी बना लेते हैं। ये देखिए इमली की खट्टी मीठी चटनी और तीखी चटनी, दोनों चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलो अब इसका पानी बना लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में जो हमने तीखी चटनी पीसी थी वो पूरी ऐड कर देंगे। इसी के ही अंदर हम ऐड करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं, आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और अब इसमें एक छोटा चम्मच भर के हम पानी पूरी मसाला ऐड कर देंगे। आप चाहिए तो इसके जगह पे चाट मसाला या फिर काला नमक और जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और इसे सर्व करते वक्त हम इसमें ऐड करेंगे बूंदी। तो रेडी हो चुकी है हमारी पानी पूरी सर्व करने के लिए, हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। एक पूरी मैं आपको तोड़ के इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो देखा दोस्तों कितनी ये क्रिस्पी हो चुकी है हमारी पानी पूरी। तो दोस्तों कैसी लगी ये आपको मेरी आज की पानी पूरी की रेसिपी? प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अब तक के मेरे इस चैनल रेसिपी जोन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।